रोजगार मेले में कल 51,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 17 दिन बाद 41 घरों में लौटी खुशियां। टनल से निकाले गए मजदूरों से पीएम मोदी ने की बातचीत। श्रमिकों ने बताई सुरंग के अंदर की आप भी थी। भावुक परिजनों ने कहा अब मनाएंगे दिवाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी की मेगा रैली में लिया हिस्सा। टीएमसी ने मनाया काला दिवस। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक काले कपड़ों में पहुंचे विधानसभा। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद 8 से 14 दिसंबर तक विदेश यात्रा पर जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया का करेंगे दौरा। इसरो को मिली बड़ी कामयाबी। एस्ट्रोसैट ने 600 से अधिक गामा किरण विस्फोटों का पता लगाया। देवगंत पी सेठी हाजी की बुक लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी। कहा यहां आना मेरे लिए सम्मान की बात है। स्पेस स्टेशन बनाने में भारत की मदद को तैयार अमेरिका। 2024 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजने में मदद करेगा नासा। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए 41 मजदूरों को 1-1 लाख रुपए देगी उत्तराखंड की धामी सरकार। मुझे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी के सबसे चर्चित कैंडिडेट टी राजा बोले जो गाय काटेगा उसका हाथ तोड़ूंगा, यही मेरा स्टाइल है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोजा ने किया गाजा में सीज फायर का स्वागत। चीन में फिर पैदा हुआ सांसों का संकट। देश के कई राज्यों में अलर्ट। मुस्तैद हुआ स्वास्थ्य विभाग। WHO ने जारी किए निर्देश। भारत भी हुआ सतर्क। 50 के हो चुके हो, अकेलापन आपको तंग कर रहा होगा, ढूंढ लो किसी को। AIMIM चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी शादी करने की सलाह। फिर 17 दिसंबर से शुरू होगा काशी तमिल संगम। कला, संस्कृति और संगीत से जुड़े जुटेंगे कई विद्वान। सरकार को कानून बनाने से नहीं रोक सकते राज्यपाल। केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। धार्मिक छुट्टियों में सभी बच्चों का समान अधिकार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बिहार में हुई त्योहारों की छुट्टियों के बदलाव पर दी प्रतिक्रिया। मणिपुर में मैतेई उग्रवादी संगठनों पर कसेगा सिकंजा। गृह मंत्रालय ने बनाया ट्रिब्यूनल। गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज को किया शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने CBR प्रशिक्षण को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार किया। कहा यह पूरी तरह शिक्षा नीति का मामला। अखबार में विज्ञापन दिया, कोई वोट नहीं मांगा। चुनाव आयोग के पत्र भेजे जाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दिया बयान। सुप्रीम कोर्ट ने TDP प्रमुख महबूबा नायडू को जारी किया नोटिस। रैलियों और बैठकों में भाग नहीं लेने का दिया निर्देश। गाजा से छूटे 12 बंधक और इसराइल ने 30 कैदियों को किया रिहा। PM नेतन्याहू बोले हमास का करेंगे खात्मा। गोवा की बेटी ने रचा इतिहास। दिशा नाइक बनी भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर। दिल्ली NCR में बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत। ग्रेप 3 की पाबंदियां हटी। अब हो सकेंगे निर्माण कार्य और चल सकेंगे प्रतिबंधित वाहन। पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा ने T20 का कोच बनने से किया साफ इनकार। अब BCCI फिर द्रविड़ को दे सकती है जिम्मेदारी। 7 दिनों में होना चाहिए अंतिम संस्कार। लावारिस शवों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। मुंबई के पूर्व मेयर और शिवसेना नेता दत्त्य दलवी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे के पूर्व इस्तेमाल की थी आपत्तिजनक भाषा। SIT करेगी होमगार्ड की हत्या के मामले की जांच। निहंग सिखों ने की थी फायरिंग। ADGP ने कहा था किसी को नहीं छोड़ेंगे। ठग सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन फर्नांडिस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अवतार सिंह कोचर को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट से मिले जमानत। पति पत्नी के बीच झगड़े ने दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। म्यूनिख से बैंकॉक जा रहा था विमान।